आज इस वीडियो में मैं वो आपको सारी बातें बताऊंगी जो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि रसोई घर जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे घर का। वो कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। जहाँ पे हमारा खाना बनता है वो जगह का पूरी तरह से हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ जी, सिर्फ शरीर का हेल्दी होना ज़रूरी नहीं होता, आपका घर का जो रसोई घर है उसका स्वस्थ होना भी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका रसोई घर स्वस्थ होगा तो आपका खाना अच्छे से बनेगा, और खाना स्वस्थ होगा तो आप भी हमेशा खुश और स्वस्थ रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए इंदू जी के रेमेडीज़ चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं इंदु आहूजा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल इंदु जी की रेमेडीज़ पे। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात जिस बात पे आपको ध्यान देना वो ये है कि आपका जो रसोई घर है वो हमेशा अग्नि कोण में होना चाहिए, यानी कि जो दक्षिण और पूर्व का कोना है वहाँ पे आपके चूल्हे का होना बहुत ही ज़रूरी है, या वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। खाना बनाते वक्त आपका चेहरा हमेशा पूर्व दिशा में होना चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपका रसोई घर उस तरीके से हो। लेकिन अगर आपका रसोई घर वास्तु के अनुरूप नहीं है तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको उपाय बता देती हूँ। उपाय में आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको रेमेडी यहाँ पे करना है। आप एक मिट्टी का दिया ले लें, नॉर्मल, पुराना हो या नया हो, कोई भी आपके पास जो होगा वो आप ले लेंगे। छोटा सा मिट्टी का दिया ले लेंगे, उस दिए के अंदर आप सेंधा नमक, काला नमक या समुद्री नमक भर के थोड़ा सा रख देंगे। आप इसको चूल्हे के नीचे रख सकते हैं, अगर चूल्हे के नीचे नहीं रख सकते तो आप उसको कहीं पर भी, लेफ्ट या राइट, कहीं पर भी पास में आप इसको रख देंगे। रोज़ सुबह आपको इसको भर के रखना है, दूसरे दिन सुबह आपको वो नमक लेना है और आपका जो रसोई घर का जो सिंक है उसमें आपको उसको डाल देना, दोबारा से दूसरा नमक भर के आपको रख देना। अगर आप ऐसा करते तो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके रसोई घर में, वो सारी खराब एनर्जी उस नमक के अंदर समा जाएगी। तो इस तरह से आपका किचन स्वस्थ रहने लग जाएगा और आपको दिशा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ग्रेनाइट का जितना हो सके आप कम ही इस्तेमाल करें। काले पत्थरों का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, रसोई घर में अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा लाल लाल भी आपको रसोई घर नहीं बनाना चाहिए। ऐसा बहुत जगह पर देखा गया कि पूरा किचन ही लाल लाल होता है, सारा फर्नीचर भी लाल होता है, क्योंकि ऑलरेडी अग्नि लाल है। ऐसे में जब आप पूरी तरह से लाल लाल कर देंगे, या जो महिला वहाँ पे या जो भी कुक वहाँ पे रसोई बना रहे उनका दिमाग या तो हमेशा गर्म रहेगा, क्योंकि जो लाल रंग होता है वो कहीं ना कहीं हमारे बीपी को थोड़ा सा इंक्रीज करता है, एग्रेशन हमारे अंदर लेके आता है, गुस्सा भी लेके आता है। हाई एनर्जी तो लेके आता है लेकिन वो गुस्से को भी इंक्रीज कर सकता है। तो अगर आप ऑलरेडी गुस्से में आपका मूड खराब है और लाल लाल पूरा अगर किचन होगा तो ऐसे में आपका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो रसोई घर का जो कलर है वो हमेशा पेस्टल शेड्स में होना चाहिए। आप ऑफ वाइट रख सकते हैं, क्रीम रख सकते हैं, हल्का सा गुलाबी आप रख सकते हैं, हल्का सा नारंगी आप रख सकते हैं, हल्का हरा भी बहुत अच्छा रहेगा, या आप एकदम हल्का सा पीला रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपका जो चूल्हा है और जो आपका सिंक है जहाँ पे आप बर्तन घसते हैं ना, वो पास पास में नहीं होने चाहिए। क्योंकि देखिए, वो पानी तत्व है सिंक, और जो चूल्हा है वो अग्नि तत्व है, और अग्नि और पानी की आपस में दुश्मनी होती है। तो अगर ऐसा है तो आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश हो सकते हैं, बिना वजह के झगड़े हो सकते हैं। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, अगर आप चूल्हा वहाँ से हटा सकते तो हटा दीजिए, अगर आप नहीं हटा सकते तो आज मैं आपको आसान एक उपाय बता देती हूँ। आपको क्या करना है, कोई भी एक लकड़ी का आप चम्मच ले लीजिए, या लकड़ी का कोई भी आपके पास कोई भी बर्तन होगा वो ले लीजिए, नहीं तो चॉपिंग बोर्ड तो देखिए लकड़ी का होता है वो आप ले सकते हैं। या तो आप जो पीछे की दीवार है वहां पे आप लगा दीजिए चूल्हे और सिंक के बीच में। अगर आप वहां पे नहीं लगा सकते तो केबल वहां पे रख दीजिए, इतना भी आप कर सकते हैं। भले उसको आप इस्तेमाल करते रहे लेकिन कोशिश करें कि उसके बीच में रखने की वो जगह बना दे, जिससे जो भी नेगेटिविटी है वो डायरेक्ट चूल्हे की और अग्नि की एक दूसरे से क्लैश नहीं करेगी, वो बीच में ही जो लकड़ी आपने रखी हुई है वो आप अपने आप में खींच लेगी। महिला को इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप खाना पकाते हैं तो आपकी जो पीठ है वो कभी भी दरवाजे या खिड़की की तरफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप गौर कीजिएगा, आपकी सेहत में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते होंगे, या आपकी कमर में हमेशा दर्द रहता होगा। तो आपको पीछे अगर आपके दरवाज़ा है, खिड़की है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप नहीं शिफ्ट कर सकते तो आप वहाँ पे पर्दा लगा सकते हैं, या वहाँ पे कोई भी एक प्लांट, इंडोर प्लांट आप रख सकते हैं। इससे क्या होगा, डायरेक्ट एनर्जी वो शूट नहीं करेगी।
इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप खाना पकाते हैं तो आपके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आप खाना नहीं भी पकाते हैं तो जो भी आपके घर में रसोईया हैं उनका देखिए कि मूड हमेशा अच्छा रहे। मूड अच्छा करके अगर आप खाना बनाएंगे तो वो खाना फिर शरीर को फलता भी है। जैसा अन्न वैसा मन, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। पास में आप एक रेडियो रख सकते हैं या FM रख सकते हैं, जिससे आप गाना सुनते सुनते जब आप खाना पकाएंगे तो वाइब्रेशंस बहुत ही अच्छे हो जाएंगे खाना पकाने में। आपके रसोई घर के दरवाजे के ठीक सामने टॉयलेट, बाथरूम या मेन दरवाजे का दरवाज़ा नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा है तो भी आप वही चीज़ करेंगे, आप पर्दा लगा देंगे या एक आप प्लांट वहाँ पे रख देंगे, कोई भी इंडोर पौधा आप वहाँ पे रख सकते हैं। कोशिश करें कि जो आपके घर का फ्रिज है आप उसको दक्षिण और पश्चिम के कोने में रखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। ईशान कोना यानी कि जो उत्तर और पूर्व का कोना होता है उसको आप हल्का रखें, लाइट रखें, वहाँ पे ज़्यादा सामान ना रखें, खाली रखें तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, वहाँ पे पानी का मटका आप ज़रूर से रख सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। जो भी आपको किचन में स्टोरेज करना है, कुछ भी भारी भरकम सामान है, यहाँ तक कि मिक्सर भी है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रसोई घर की पश्चिम या दक्षिण दिशा में आप रख सकते हैं। पूर्व और उत्तर हमेशा हल्का और लाइट वेट होना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम, यहाँ पे आप भारी भरकम सामान रख सकते हैं, जितना हो सके आप यहाँ पे सामान का स्टोरेज भी कर सकते हैं। चूल्हा जो आपका रसोई घर का होता है वो बाहर जो भी आपके घर में मेहमान आते हैं उनको डायरेक्टली वो दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर ऐसी समस्या है तो आप वहाँ पे कर्टन लगा सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया दरवाजे के आसपास, लेकिन चूल्हा डायरेक्टली नहीं दिखाई नहीं देना चाहिए, इससे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। महिलाओं को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि रसोई घर में जहाँ पे भी खाना पकाते हैं वहाँ पे जो किचन का जो टेबल है वहाँ पे खड़े होकर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा घर में क्लेश हो सकता है और महिलाओं की सेहत पे भी असर आ सकता है। तो आपको क्या करना है, रसोई घर में हालांकि खाना बहुत ही अच्छा होता है, अगर आप राहु भी अपना अच्छा करना चाहते हैं तो इनफैक्ट रसोई घर में खाना चाहिए, लेकिन वो चूल्हे से दूर बैठ के या कहीं पर भी नीचे बैठ के आप खाना खाएं। ये नहीं कि जिस प्लेटफॉर्म पर ही आप खाना पका रहे और वहीं पर खड़े खड़े आपने प्लेट रख के खा लिया तो वो बहुत ही ख़राब होता है। अगर आप नया चूल्हा खरीदना चाहते हैं तो ऐसे में बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये 3 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। भूल के भी कभी भी आप अपनी कोई भी दवाई या किसी भी घर के मेंबर की कोई भी मेडिसिन या दवाई आपको अपने रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए जो आपका सिंक एरिया होता है उसके नीचे का जो एरिया होता है वो बहुत लोग उस पर ध्यान नहीं देते, बस यूं ही वहाँ पर डाल देते हैं सारा सामान। नहीं, आपको उसको साफ़ सुथरा रखना है। आपको टाइम टू टाइम ये देखना है कि वहाँ पे आप फिनाइल डाल दें या फिनाइल की कुछ गोलियाँ डाल दें, एक बार वो सामान उसको निकाल दें, साफ़ करके दोबारा से आप वहाँ पे सामान रख दें। आपके किचन में जितना भी स्टोरेज है वो हमेशा पूरी तरह से व्यवस्थित होना चाहिए, सारा सामान ठीक तरह से होना चाहिए। ये नहीं कि सामान एक दूसरे के ऊपर गिर रहा है या अलग अलग तरीके से रखा हुआ है, आपको सामान ढूंढने में टाइम लग रहा है, नहीं, पूरी तरह से व्यवस्थित होना चाहिए, अच्छी तरीके से सारा सामान होना चाहिए, मसालेदानी ठीक तरह से आपको सामने दिखाई देनी चाहिए, प्लास्टिक का जितना हो सके कमी आप इस्तेमाल करें, कांच की बोतल आप इस्तेमाल कर सकते हैं या स्टील के जो डब्बे होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्टील के डब्बे आप इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आप लेबल लगा सकते हैं, चिटकनी छोटी छोटी लगा सकते हैं जिससे कि आपको पता चले कि किस में कौन सा सामान रखा है। महिलाओं को, यहाँ तक कि कुक जो भी रसोई है जो किचन में काम करते हैं, उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखें। देखिए, मैं हर एक के लिए नहीं बोल रही, लेकिन जो नहीं ध्यान देते तो उस पर आपको ध्यान देना ज़रूर से चाहिए। यहाँ तक कि मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत महिलाएं रसोई घर में कभी जाती ही नहीं है, ध्यान देने भी नहीं जाती कि उनके रसोई घर की हालत क्या है। तो आपको एक बार ज़रूर से जाना चाहिए, हफ्ते में एक बार आपको देखना चाहिए कि सब ठीक ठाक है या नहीं, आपका रसोई घर पूरी तरह से साफ़ सुथरा है या नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि खाना पकाते हुए देखिए छींटे या जो मसाले जो होते हैं वो उड़ के पूरी तरह से टाइल्स पर लग जाते हैं, तो पूरी तरह से अव्यवस्थित होता है, किचन पूरा बिखरा हुआ होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दो बार तो मैंने ऐसा भी देखा था कि बहुत जो महिलाएं वो खाना पकाते हुए क्या करती हैं, कभी अपने चेहरे पे हाथ लगाती हैं या बालों में यूं ही बस ऐसे इचिंग करती हैं या ऐसे से अपना पसीना पोंछती हैं, मुंह पे हाथ फेरती हैं और वही हाथों से
वो आटा गूंथती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हाथ धो के साफ सुथरा होके खाना पकाना चाहिए। जितना साफ सुथरा होके खाना पकाए ना, उतना ज़्यादा अच्छा है, और वो बैक्टीरिया से भी आप बचे रहेंगे और खाने में वाइब्रेशंस भी अच्छे आएंगे। तो एकदम क्लीन होके उसके बाद ही आप रसोई घर में काम करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रोज सुबह नहाने के बाद अपने रसोई घर में 2 कपूर की टिकिया आप जरूर से जलाएं। रात को सोने से पहले तो आपको जलाना ही जलाना है, लेकिन सुबह भी अगर आप कपूर की 2 टिकिया अपने रसोई घर में जलाते हैं तो उससे देखिएगा कितने अच्छे वाइब्रेशंस आपके किचन के हो जाएंगे। अगर आप कपूर नहीं जला सकते तो आप धूप जला सकते हैं, लोबान आप जला सकते हैं, खुशबू भी अच्छी हो जाएगी, वाइब्रेशंस भी अच्छे हो जाएंगे, और जो खाना पका रहा है उनका मन भी बहुत ज़्यादा एकदम अच्छा हो जाएगा। ये खुशबू से भी वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। पर ये ऐसा ना करें कि आप स्प्रे मारने लग जाए और बाद में आप चूल्हा चालू कर दें, ये गलती आप नहीं कीजिएगा, ठीक है? रसोई पकाने से थोड़े वक्त पहले आप ये चीज़ कर सकते हैं। चप्पल आप कभी भी पहन के रसोई घर में ना जाएं। भले आपकी चप्पल जो घर की होगी वो अलग होगी, बाहर की अलग होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप रसोई घर में जाते हैं तो रसोई घर की चप्पल हमेशा अलग होनी चाहिए, या चप्पल आपको पहनना ही नहीं चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ऐसे में जो किचन है वो आपका पूरी तरह से स्वस्थ रहता है और पूरी तरह से क्लीन रहता है। तो कैसे लगा यह मेरा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा, तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। देखिए, लाइक देने में कंजूसी ना करें, मैं दिल से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ये कमेंट में आया था कि इस टॉपिक पर मैं ज़रूर से वीडियो बनाऊँ, तो ये ऑन डिमांड मैंने वीडियो बनाया और उसी पर मैं अभी काम करती आ रही हूँ। तो बस मुझे आपसे यही उम्मीद है कि केवल आप थम्स अप दे दें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। सब्सक्राइब केवल आपको एक ही बार करना होता है, हर बार नहीं करना होता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं 30-30 सेकेंड्स की वीडियो बना रही हूँ जो बहुत ही आपके लिए यूज़फुल है। वो बहुत ही अचूक और अच्छे उपाय मैं उसमें बता रही हूँ। यहाँ तक कि अगर आप मेरे वीडियो के पूरे डिटेल जानकारी पाना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट www.induahuja.com पे ब्लॉग में जाके आप सारी जानकारी हिंदी या इंग्लिश में जाके पढ़ सकते हैं। नीचे सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।